तू यहाँ भी आ गया, यहाँ भी घर में दारू पी रहा क्या? चुप चुप। और यहाँ बच्चों से भी बदतमीजी कर रहा। खड़ा हो जा, खड़ा हो जल्दी। तुम इधर घर से बाहर आ गए, देख मैं तेरे काम आता हूँ। हर चीज मम्मी नहीं, कोई मम्मी मामा है। दारू पी के मेरे घर मत आइयो कभी। चल जा, पोतली भी मैं लाता हूँ, देख तू मुझे। चल निकल यहाँ से, मम्मी जान तू मामा है। चल निकल यहाँ से। है ना, कैसे परेशान बैठे हो? बस परेशान क्या हूँ, बस ये सोच रही हूँ कि दो घर में जवान लड़के हैं, कैसे उनकी शादी ब्याह कैसे करूंगी। अपना ब्योत तो भी नहीं है शादी ब्याह करने का। उसके पापा होते तो वो देख लेते सब कुछ, अब मैं कहाँ तक क्या देखूं। और आप तो भाई साहब सारी जगह घूमते हो, तो हमारी लड़के के लिए कोई लड़का ही बता दो। ठीक है, लड़का तो है मेरी निगाह में, पर जैसे हम हैं वैसे कोई लड़का मिल जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, हमारी लड़की को निभा ले। बिल्कुल, लड़का तो मेरी निगाह में है नाना, उसके पापा जागरण का काम करते हैं। ठीक है, मैं फोन करके मालूम करता हूँ वो ऑफिस पे हैं या घर हैं। ठीक है, पूछ लो एक बार। हेलो, हाँ सुशील जी। ठीक है सुशील जी, तो हम आते हैं ऑफिस पे आपके। ठीक है चलो ऑफिस पे चलते हैं, ऑफिस पे ही हैं वो लोग। आपको लड़का दिखाता हूँ और कारोबार उनको दिखाता हूँ। आगे खाना ले गए? खाना ले गए। ठीक है बैठो। आपने इतनी जल्दी फोन क्यों किया था? इतनी जल्दी भूख लग गई क्या? भूख नहीं लग रही थी तो मैंने इसलिए फोन करा था, रिश्ते वाले मेहमान आ लग रहे लड़के के। मुझे भी जो है अपना आराम मिल जाएगा। तो सही बात है, आराम मिलेगा। ठीक है ना, ये अपना मुंह बंद रखिए, कभी उनके आगे जो है पटर पटर बोल रहे और किसी चीज की मांग कर बैठे। ना जी ना, आप टेंशन ना करो, सारी चिंता ना करो। बस ठीक है, तो जय माता गोविंद जी। जय माता दी, आ जाओ। और कैसे हो? नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते, बैठो जी। बैठ जाओ। और सुनाओ जी, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई तकलीफ नहीं, बस सब ठीक ठाक सब आ रहे। देखो जी, हमारा लड़का आरओ फिटिंग का काम करता है। हाँ जी। और कंप्यूटर का भी सारा काम करे, मुझे तो भी नहीं पता किसके करे। मेरा काम तो जागरण का है। अच्छा, कभी जागरण करवाना होगा तो मुझे बता दियो। नहीं, जागरण कराना हो तो आपसे करवाएंगे जागरण। तो सर जी देखो, मेरे पास तो लड़की लड़की है और शायद मेरा परिवार भी मेरा साथ ना दे। देखो, जिसने अपनी लड़की दे दी उसने सब कुछ दे दिया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम तो अपनी चुन्नी उठा लाओगे और अपने घर ले आओगे, किसी चीज की दिक्कत ना मानो। ठीक है, मगर बस देखो मेरे पास और कुछ भी नहीं है। अगर आपको देखो रिश्ता अगर मंजूर है तो ठीक है, आप मुझे बता दो। अगर नहीं मंजूर है तो आप मुझे वैसे नहीं, हमें रिश्ता मंजूर है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप निश्चिंत होकर के अपनी तैयारी करो, पंडित जी से सुझवाओ। ठीक है, उधर हम तैयारी करते हैं। ठीक, क्योंकि हमारे यहाँ तो दहेज लेना देना बिल्कुल पाप माना जाता है। ये तो आपका बड़प्पन है। हमारे यहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, माता रानी ने सारी चीज दे रखी। हाँ जी ठीक है, मैं लड़के को बुला देता हूँ। एक बार एक नजर लड़के को भी देख लो। ठीक है ना, मैं भी फोन करता हूँ।
बाबा जय माता की। जय माता की। जय माता की। जय माता की। जी बाबा जी आ जाओ बेटा। आगे देखो जी ये तो है लड़का। अच्छा। और अच्छा लड़की का फोटो तो तुम ले रहे होंगे? हाँ कोई बात नहीं मैं फोटो दिखा देगा। लड़का तो हमें पसंद है और लो ये लड़की का फोटो है, लो एक बार आप देख लो। लड़की तो बहुत सुंदर है, अच्छी है लड़की तो। लड़की तो अच्छी है, मुझे बहुत पसंद है। बढ़िया तो बस ठीक है। तो अब हमें इजाजत दो क्योंकि टाइम भी ज्यादा हो रहा है और हमें पंडित जी से भी देखो दिखाना है। देखो लड़का जा रहा चाय नाश्ता लेने के लिए। नहीं नहीं चाय नाश्ता तो देखो फिर लेते रहेंगे। नहीं ऐसी बात नहीं, 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 नहीं ये बात चाय बाद में पीते रहेंगे, चाय पानी तो चलता ही रहेगा। फिर बस थोड़ा सा ये भी पंडित जी से भी हम भी सुझवा लें। आप मान नहीं रहे, चलो मैं लड़के को फोन करता हूँ ऑफिस में मिलेगा। हाँ जी बेटा चाय वाय तो रहने दो, ये मेहमान तो जान लग रहे, एक बार ऑफिस पे मिलो ठीक है ना? हम लोग ऑफिस पे ही आ रहे हैं उधर ही। चलो ठीक है ठीक। चलो एक बार लड़के का ऑफिस भी दिखा देता हूँ तुम्हें। ठीक है हाँ लड़के का ऑफिस दिखा। ठीक है ना ठीक। आप रुको यही है। और किसी चीज की दिक्कत ना मानियो। बेटा शादी भी सिर पे आ गई और 15 दिन रह गए तेरी शादी को। मम्मी तू मम्मा के बात नहीं नोतन जाती। बेटा बात क्या नोतने जाऊं, कौन है मेरे? वो भी था, वो भी दारू पी के घर में ड्रामा करके गया था, वो भी लड़के चला गया, उसे क्या जाऊं बात नोतने उसके। मम्मी कुछ भी हो कैसा भी हो है तो मारा मम्मा ही। मम्मी मैं तुझे दुखी नहीं देख सकती, एक तो मेरे पापा नहीं है, ऊपर से मैं अपनी माँ को अपनी बहन को बिल्कुल दुखी नहीं देख सकती हूँ। मां तू चली जा बात नहीं उतने। क्या कैसे जाऊं के उसके पास। चली जा मां, तू कहती है तो आकर देख लूंगी। और बेटा पूजा जब ये लिए तैयार कर दे चल। बेटा मैं तेरे बगैर कैसे रहूंगी, तेरे बगैर कोई नहीं। माँ बेटी तो हमेशा पराया धन होती है, एक न एक दिन उसे घर छोड़ के जाना ही पड़ता है। आप अपना ख्याल रखना और पूजा का भी। तू तो मेरे कले से का टुकड़ा है। दो माँ ध्यान रखियो, मैं अब आई है। पूजा अंजू का ध्यान रखियो। ठीक है मैम।
भाई मैं तुम्हारी बहन हूँ, भूल गया क्या? कौन बहन, किसकी बहन? तूने मुझे अपने घर से काट दिया, चल भाग। भैया ये तू नहीं बोल रहा, ये तेरी दारू बोल रही है। मैं उस दिन दारू पी के गया था, और दारू ही मेरी जिंदगी। भाई मैं तो भेली लेके आई हूँ तेरे दरवाजे पे। तो भेली में क्या करूँ, मैं दारू पी रहा हूँ। भैया देख, मेरा ना तो मेरा कोई है, एक तू ही है, और तेरी भांजी की शादी है। बस मैं तेरे दरवाजे पे भेली लाई हूँ, जैसा करेगा तू ही करेगा जो भी है। भैया दारू वारू छोड़ दे पीने। दारू तो मेरी जिंदगी है, दारू नहीं छोड़ सकता, दुनिया छोड़ दो। भैया ये कुछ भी ना रहेगा, मेरा तो वैसा भी कोई नहीं है, तू ही है एक। ये दारू वारू छोड़ दे, मेरी बात मान ले भैया। आगे बात मत क्या बेटा, बात बात क्या मत क्या। तेरा मामा तो मुझसे लड़ता है, मेरी बेली भी फेंक दी। मेले वेले तेरे कुछ नहीं चाहिए, चल लेकर लेकर भाग जा, चल तू भी जा भाग। मुझे शराब देने दे, जा भैया। मेरा रिश्ता मत कर, तूने मुझे अपने घर से बाहर दिया, जा। ऐसा नहीं कहते भाई, ऐसा मत कहो कि मेरा कोई भी नहीं भैया। जा जल्दी जा, मैं तेरा सिगरेट लेने चला जा। तूने मेरी भेली फेंक दी, मैं आज से तेरे लिए मर गई। हाँ फेंक दी, जादू जा मेरे पीने दे दारू। उधर धक्के मार के काटती थी, आज भी पिला गया रे। मैं तेरे दरवाजे पे कभी नहीं आऊंगी। चली जा पीने दे आराम से। मैं तुझे बोल रही थी, पहले कह रही थी, अब रोऊंगा। मेरी बेली भी फेंक दी बेटा, ऐसा भाई भगवान किसी को ना दे। पानी ले क्या बेटा, ये है तेरी ससुराल, ठीक है? ठीक है बाबा जी। लो जी पानी पियो। बाबा जी क्या बात होगी अंदर अंदर? बेटा कुछ बात होगी
आगे होगी कोई मन में बात, ऐसी बात तो है नहीं। मम्मी आप क्यों रो रही हो? बेटा तेरे की तो मामा था, वो भी नहीं आया। तेरे पापा भी नहीं है, मैं तो अकेले रह गई। नहीं मम्मी ऐसा मत कहो, मम्मी तो हो जाओ। चुप हो जाओ। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। चुप हो जाओ माँ। अरे नैना क्यों रो रही है? भाई साहब मेरा कोई भी नहीं रहा। अरे नैना आप परेशान ना हो, ये बहुत अच्छे आदमी है, किसी चीज की दिक्कत नहीं होने देंगे आपको, आपकी बेटी को। भाई साहब इसके तो पापा भी नहीं है, कि मामा था वो भी नहीं आया। हम हैं, किसी चीज की दिक्कत नहीं होने देंगे, बेफिक्र रहो। ठीक है आप बिल्कुल चुप हो जाओ। मेरे जिगर का टुकड़ा है, बस इसका ध्यान रखना। आप किसी चीज की चिंता मत करो, यह आपकी बेटी नहीं हमारी भी बेटी है, आप चिंता तो बिल्कुल मत करना। और इन्हें तैयार करो, हम बाहर बैठे हैं। बहन तू भी अपना ख्याल रखना, मम्मी का भी ख्याल रखना, बाबू अपने घर जाकर कोई बुलाना ना रचे बेटा। चले आप बेटे, ये मेरा जिगर का टुकड़ा है और इसका ध्यान रखना। ना इसने बाप का प्यार बहुत जल्दी खत्म हो गया इसकी जिंदगी से, मगर आप इसका साथ जरूर देना। ठीक है मम्मी जी। आप घबराओ ना, नाप दे ले रहो। ठीक है, ये तुम्हारे जिगर का टुकड़ा है, आज तुम्हारे जिगर का भी टुकड़ा है। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ठीक है भाई, चलें। ठीक, चलो चलो।